अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत मार तैया मार। Hey guys, love you. Oh my guys. Hey everyone, this is me Nimra. Hey, welcome back to my channel with another vlog. So, आज हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद, क्योंकि ईद थी। मैंने ईद में कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था और ईद के तीनों दिन हम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना था, तो सहरिश और उसकी सारी फैमिली जो है वो पिंडी घूमने आ रहे थे इस्लामाबाद, क्योंकि वो लोग कभी नहीं आए। मैं तो इतनी बार आ चुकी हूँ। अच्छा, क्या दिल नहीं करता आने का? ठीक है ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं चलते हैं। एक जगह है दामने कू ठट्ठे कू, हमें क्या बताओ। खैर, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे अपने कजन से मिलकर आया जाए। वहाँ पर बंदर ही बंदर होते हैं और मेरे वो सारे रिश्तेदार लगते हैं। वैसे तो मेरे रिश्तेदार आ चुके हैं, लोगों को बाइक चलाने का कोई सलीका और तरीका ही नहीं है। मुझे इतना ऊंचे बोलना पड़ रहा था कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचे। खैर, हम लोग पिंडी से इस्लामाबाद सफर करके आए मेट्रो बस में। अब हम आगे के लिए गाड़ी करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी हो जाएगी हम लोग चले जाएंगे दामने को, और वहाँ पे आगे मैं किस तरह से सफर करती हूँ, क्योंकि ऊपर भी चढ़ के जाना पड़ता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं, सारी, शुएब भाई, अजवा और सुबान, तैयब, उमैर सब हैं, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलते हैं, बोलो तो चलते हैं। तो यहाँ पे खड़े हुए हैं वो पीछे शुएब भाई वगैरह, जब वो गाड़ी करवा रहे हैं। 1500 की गाड़ी हो रही है, 1500 की नहीं हो रही, 1500 हम कह रहे हैं कि आप लगाएं, 2000 की गाड़ी हो रही है। और इतना गुर्बत का ज़माना है कि हम लोग गाड़ी नहीं करवा रहे कि 1500 की गाड़ी हो रही है। मैं आती ना मैं करवा लेती, लेकिन मैं फजूल खर्च हूँ, लेकिन लोग फजूल खर्च नहीं होते। बार्गेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो शुएब भाई जब ऑटो के जा लगे, मैं इतना रास्ता नहीं यार, 1500 लो, इतना रास्ता है। शुएब वो कह रहा है नहीं, पहाड़ी इलाका है सर। शुएब भाई कह रहे हैं 15 किलोमीटर है, इतने का। तो शुएब भाई लड़कियों की तरह ना, पुप्पों की तरह जो है पैसे कम करवा रहे हैं, क्योंकि हलाल के पैसे भाई ऐसे थोड़ी दे सकते हैं। जैसे पैसे कम होंगे हम गाड़ी में बैठेंगे चले जाएंगे। और इस महंगाई के दौर में मैंने पूरे 80 रुपए का पानी लिया। पानी, मैं गरीब हूँ। खाली है वो, अब खाली हो गया। पानी सिर्फ लिया मैंने 80 रुपए का, बर्फ मतलब के 80 रुपए की बर्फ लिया, और वो भी नमकीन बर्फ, खारे पानी वाली बर्फ। नाम का नींबू पानी था वो। खैर, अब गाड़ी हो तो हम कहीं जाएं और फिर इस ब्लॉग को आप तक पहुंचाएं। और इसको आपने इग्नोर करना है, ऐसे इग्नोर करना है जैसे आप अपनी जिंदगी में परेशानियों को दोस्त करते हैं ना, इग्नोर, वैसे जैसे दोस्त स्ट्रीट मांगे तो दोस्तों को इग्नोर करते हैं ना, वैसे इसको इग्नोर करना है। आ जाओ। फाइनली गाड़ी मैंने लड़ लड़ के करवा ली है पूरे 2500 की। 3000 से 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा था। फिर अब मैंने अपना औरतपन दिखाया और 2500 की गाड़ी करवाई। आई एम सो ग्रेट। कितना प्यारा रिजल्ट है मेरे कैमरे का, माशाल्लाह। आ चुकी हूँ दामने को और मुझे नहीं पता ये लोकेशन कैसी है। 300 रुपया ये देखिए। 100 रुपए लेने के बाद 100 रुपए पिक्चर का होता। अगर ये पुतला है तो इसने पानी की बोतल भी रखी है पीने के लिए, पुतले को थोड़ी जा सकती है। आप चुपेड़ खाएंगे? अरे ना, अब निशान करना मैंने मार तैया मार। तो जब मैं इधर आई तो मैंने कहा ये मैं कहाँ गई हूँ, ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ पार्क है, बस लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई अच्छी जगह ही नहीं है। लेकिन एक पॉइंट पे मुझे आके लगा कि नहीं,
मेरे जो मैं 2500 का किराया भर के आई हूँ थोड़ा सा वसूल हो गया, क्योंकि ये जगह जहाँ पे मैं खड़ी हूँ बहुत खूबसूरत है और मैं आपको उधर जाके दिखाती हूँ। हाउ प्रिटी यार, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से पूरा इस्लामाबाद नजर आ रहा है और इसको देखे मेरी कांपे टांग रही है। ये शख्स जो है ये 2 घंटे से मुझे कह रहा है कि मेरी निम्रा अब पिक्चर्स लो पिक्चर्स लो। मैं पिक्चर्स ले लेके थक गई हूँ लेकिन इस शख्स की तस्वीरें नहीं खत्म हो रही। पोज भी एक ही पोज, एक टांग आगे एक टांग पीछे। खैर अब तस्वीरें खींचती हूँ। तो ये जगह मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रही, बस एक पार्क है ठीक है, वहाँ पे लोग घूम रहे हैं और स्टॉल्स लगाए हैं लोगों ने, कोई खास जगह नहीं है। पता नहीं अजीब सा ही था, ऐसा लग रहा था लाहौर में भी इससे अच्छे अच्छे पार्क्स हैं। बाकी जी ना मैं इतनी पहाड़ी में चढ़ के जाऊँ तो मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाता है। खैर कुछ खास यहाँ पे है नहीं, हम लोग घूम रहे हैं और तस्वीरें मैंने खींची है, तस्वीरें बहुत अच्छी आई हैं मेरी और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये जगह भी बहुत अच्छी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही इस पार्क में कुछ भी नहीं है, यही 2500 रुपये हमने जो यहाँ पे आने का दिया है, 20 रुपये का चिंची रिक्शा करवा के बागेश जी ना जाती ना तो मस्त मजा आना था। 100 रुपये की स्ट्रिंग भी मिली थी यहाँ से। मस्त प्लान है, क्या मस्त प्लान है। यहाँ से 150 रुपये स्ट्रिंग के पैसे भी भरे। बहुत महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में घूमने तो आपको कभी भी निकलना चाहिए है ना, और ऐसे बच्चे लेके तो कभी भी ना आए जिनको हर दो में बस प्यास लग जाती है और कहते हैं निमरापी पानी निमरापी पानी। इस महंगाई के दौर में मैंने अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के ये ऊंट करवाया है पूरे 400 रुपए का। अच्छा अच्छा, करोड़ और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? तो हम इसके ऊपर बैठेंगे, राइड लेंगे और आपको दिखाएंगे। ओके गाइस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता मैंने क्या सीखा, यहाँ पे मुझे खाली घर नजर आया और वो घर ये है। मैंने सोचा ये खाली क्यों है, ये वीरान क्यों है, इसको भरा जाए इधर तस्वीरें ली जाए बस ऐसे। तो इधर तस्वीरें खींचते हैं और मैं आपको घर दिखाती हूँ, लकड़ी का बना हुआ ट्री हाउस है एंड इट्स वेरी प्रीटी। चुप करो नाज़रीन, आपको लकड़ी नजर नहीं आ रही? मैं मालिक हूँ। अभी मैं इसकी तस्वीरें खींचने आई थी लेकिन इस शख्स को फिर नहीं चैन आया, ये फिर अपना फोटो सेशन करवाने आ गए, ये मुझे अपना पर्सनल फोटोग्राफर बनाकर लेकर आए हैं, फिर ऊपर चढ़ गए तस्वीरें खींचने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नजर ही नहीं आ रहे, ख्याल से ऊपर से सनलाइट इतनी ज्यादा आ रही है। तो मैंने इस घर को अपना बना लिया है, वैसे भी मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए तो मैंने सोचा कि इस छत को अपनी छत बना ली। तो मैं इधर रहती हूँ, मेरे फैंस जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे आके मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की? क्या हुआ? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा। हाँ जी अंकल साहब, क्या हुआ? ये बात नहीं, ये बात नहीं करते। चाचा गाली नहीं है, चाचा गाली तो गाइस जिस गाड़ी में हम आए थे वो गाड़ी नहीं मिल सकी गाइस। गाइस फिर हमने नई गाड़ी करवाई गाइस, 800 रुपए की गाइस, 800 रुपए की गाइस। गाइस कहाँ की करवाई है? फैसल मस्जिद की गाइस। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, आपको फैसल मस्जिद दिखाएंगे गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखे गाइस, लव यू उमा गाइस।
ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं फैसल मस्जिद, तो हम लोग फैसल मस्जिद आ चुके हैं। मेरा रास्ता बंद रही है, तो फिर वो कम आ रहा है। ये सारे व्लॉग में मुझे मार रहे हैं, ठीक है ना? तो ये इधर हम कैमरा करेंगे, हर व्लॉग में मुझे मारते हैं, आज आपकी व्लॉग में मारी आई है वो मुझे। तो हम लोग आ गए फैसल मस्जिद, ये है मेरे पीछे फैसल मस्जिद, और कोई शदीद किस्म का राशा पठानों ने घेरा आ रहा है मस्जिद को। और ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस, एक फूल फूल के सर में है सारिश, एक फूल फूल के सर में है, और मेरा गुड्डा कितना प्यारा लग रहा है, सो रहा है। खैर आपको मस्जिद का कोना कोना दिखाएंगे, ठीक है? आइए अंदर चलते हैं। एक होती है करप्शन, एक होती है करप्शन प्रो, और एक होती है करप्शन अल्ट्रा प्रो मैक्स। ये गिरी अंकल रुके, मुझे ये कुल्फी दिखाई है जिसके ऊपर बादाम लगे हुए, और अंकल जरा अंदर से कुल्फी तो दिखा, कुल्फी तो दिखाए अंकल, जो अंदर वाली कुल्फी है, कुल्फी ये वाली दिखा रहे हैं, ठीक है? और देख कौन सी रहे हैं, ये क्या, ये धोखा है तो मेरे साथ। अंकल ये वाली कितने की है? ये लकड़ वाली है, ये क्या कर रही है? लकड़ वाली मुझे दे, असली वाली, असली वाली। ओके मैं लकड़ पत्थर दे दूंगा। हाँ चले चले, मुझे नहीं मिल रही आइसक्रीम, अंदर चलते हैं। अंकल ये ले आप, अच्छी अच्छी आइसक्रीम भी बेच रहे हैं, दिखाई चेक करा। पैसा नहीं जिंदगी से खर्च किया बीच में, जेड़ा नहीं ऐसे लगता ये। आप लड़े, आप लड़े। हाँ क्यों? गाइस हम आ गए हैं। चपेट गाइस। गाइस अल्लाह के वाले गाइस। गाइस गाइस हम यहाँ आ गए हैं। गाइस इधर बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है पीपल्स का, देयर आर सो मेनी पीपल्स। छोटे मुंह आप पे, आपने अपने पावर बैंक से मेरा मुंह छोड़, मेरा मुंह। गाइस हम फैशन मस्जिद आए हैं। हां गाइस यस गाइस बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, हम अपने जूते उतारेंगे, सर पे दुपट्टा लेंगे क्योंकि ये मस्जिद है, और फिर सारा एक्सप्लोर करेंगे मस्जिद को। आपको ज्यादा मस्जिद नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे पठान लोग उन्होंने पकड़ के मुझे कूट देना है कि आप हमारी बहन बेटी को कैमरे में लेकर आ रही है। तो गाइस हम लोगों ने फैसल मस्जिद भी घूम ली, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मगरिब की अजान भी फैसल मस्जिद में सुनी, जो कि बहुत खूबसूरत थी और बहुत मजे का व्यू था, बहुत मजे का व्यू था, बहुत अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं अपने कजन से मिलने, एक तो होते हैं ना इंसान, दूसरे होते हैं उनके रिश्तेदार, जैसे कि ये होते हैं ना ऐसे कुछ रिश्तेदार। तो शेर भाई ने कहा यहाँ पे करीब ही ना मेरे बहन भाई हैं, बंदर ना यहाँ पे, आओ उनसे मिलने चलते हैं। तो मैंने कहा चले चले जरूर चले, तो हम लोग बंदर देखने जा रहे हैं। अब वहाँ जाके मैं आप लोगों को अपने और तैयब के सगे बहन भाई से मिलाऊंगी, आपकी एक बांदरी दिखाऊंगा, चिट्टी बांदरी तैयब के सगे बहन भाई से मैं आपको मिलवाते हैं। आए चले, तुम कहाँ हो, कौन से दोस्त है? अभी तुम्हारे भी रिश्तेदार दिखाती हूँ तुम्हें, कहते हैं। तो गाइस हम लोगों को आंटी ने कहा था कि यहाँ पे बंदर होंगे, लेकिन इधर तो शेब भाई, उमर, सुबान और तैयब के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा, ये चार बंदर देखने थोड़ी आए थे हम। बंदर हमें नहीं मिले तो आप लोगों को मेरी शक्ल देख के गुजारा करना पड़ेगा, इसकी भी देख लेंगे किसी बंदर से कम नहीं है। और अब हम खाएंगे गोल गप्पे, ठीक है? और फिर हम ना उस पे अब हम खाएंगे गोलगप्पे, फिर हम अपनी वीडियो बनाएंगे। गाइस मैंने गोलगप्पा खाया और गोलगप्पा मेरे मुंह में फट गया। कल मैंने कॉलेज में गोलगप्पे खाए, गोलगप्पा मेरे मुंह में ही फट गया। मजेदार, तू को फट गया, मजेदार मजेदार।
तो गाइस हम लोगों ने गोलगप्पे भी खा लिए हैं, अब हम करवाने लगे हैं गाड़ी और जाने लगे हैं घर, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, ना ही किसी किस्म की तस्वीर आ सकती है अच्छी। तुम अपना सिर कहाँ से ले आती हो बीच में? सारी में सही लग रही हूँ और ना ही कुछ हो सकता है, तो इस वक्त हम लोगों को मुनासिब यही लग रहा है कि हम लोग गाड़ी करवाएं और घर को जाएं। तो खैर फैसल मस्जिद में घूमी मैं, दामने को गई और उसके बाद बंदर देखने की कोशिश की, लेकिन बंदर नहीं नजर आए तो आपको मेरी शक्ल देखनी पड़ी। खैर अब हम लोग घर जाएंगे, गाड़ी करवा रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ पे रश लगा है गाड़ियों का, अब गाड़ी मिल जाएगी, फिर हम लोग सस्ते दामों में गाड़ी करवा रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो घर जाएंगे और घर जाकर मैं अपना एक्स्ट्रा कर दूंगी। स्टेडियम घर, हम लोग सबसे पहले गए मेट्रो बस पे, वहां पे फिर वहां से गाड़ी करवाई, वहां से गए दामनी को से हम लोग गाड़ी करवाई, वहां से गए हम लोग फैसल मस्जिद से करवाई गाड़ी, फिर अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, आए मेट्रो पर, मेट्रो से करवाया, रिक्शे से आए, फिर वापिस घर। सारा मेरा दिन जो आज सफर में गया है, मेरी टांगे बहुत लरस रही है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। घर में जब आई सबसे पहले मैंने खाया पुलाव, सनाबाजी ने बहुत मस्त किस्म का पुलाव बनाया था, हम लोगों ने वो खाया, फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि वो थोड़े से रेशमी टाइप के थे तो मेरा मजा नहीं आ रहा था, और जैसे मैंने अपनी मीडिया खोली मुझे याद आ गया कि भाई निम्रा तूने अभी तक व्लॉग एंड नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग को एंड कर लूं। तो उम्मीद है आपको मेरा, मुझे पता है कि ये व्लॉग अच्छा नहीं है और ना ही मैं इसको अच्छे तरीके से एडिट कर सकूंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको देखना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और बहुत ज्यादा प्यार देना है, तो इस तरह के मजीद लोग इसके साथ, सारे थक गए लेकिन तैयब भी थक गए, वो भी सोने लगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कहते हैं कि आपको कैसा लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।